गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर से एक और नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग लेसन 6 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने लेसन 5 पढ़ा होगा और इसके बाद लेसन 6 हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें आप लोग देख रहे हो कि चार पिक्चर दिया हुआ है, जस्ट अबव ऊपर साइड में, टॉप साइड में आपको दो पिक्चर दिया हुआ है, एक बच्चा है और एक बच्ची है, ठीक है ना। जस्ट उसके नीचे आप देख रहे हो कि एक डॉक्टर का पिक्चर है और दाहिने साइड में एक नर्स का पिक्चर है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, सबके बारे में क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पिक्चर के लिए, जो पीला शर्ट जो लड़का पहना हुआ है, तो उसके लिए लिखा हुआ है, वो बोल रहा है खुद, ठीक है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है, आई एम अनिल, ठीक है ना। आई एम अनिल, तो मैं अनिल हूँ, ठीक है ना। आई मतलब होता है मैं, जब हम अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में संबोधित करके बताते हैं, तो मैं आई बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई एम अनिल, मैं अनिल हूँ, ओके। इसके बाद लिखा हुआ है आई एम ए गुड बॉय, ठीक है ना। आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ठीक है ना। इसके बाद जस्ट सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक बच्ची है और उसके लिए लिखा हुआ है आई एम गीता। वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मैं गीता हूँ, आई एम गीता, मैं गीता हूँ। आई एम ए गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अनिल भी अच्छा लड़का है, गीता भी अच्छी लड़की है, दोनों अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर यहाँ लिखा हुआ है कि आई एम मिस्टर सिन्हा। नीचे आप देख रहे हो कि डॉक्टर एक आला लगाए हुए है ना। माफ़ कीजिएगा, मैं आला नहीं लगाया हूँ, मैं तो ईयरफोन लगाया हूँ, लेकिन ये देखने में ये भी आले की तरह ही दिख रहा है। तो आई एम मिस्टर सिन्हा, ठीक है ना। आई एम मिस्टर सिन्हा, मैं मिस्टर सिन्हा हूँ। और आई एम ए डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है ना। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमारे बीमारी का ट्रीटमेंट करता है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो वो हमारा ट्रीटमेंट करता है। इसके बाद सबसे नीचे में राइट साइड में एक लेडी है और उसके बारे में लिखा हुआ है कि आई एम मिस शीला, ठीक है ना। आई एम मिस शीला, मैं मिस शीला हूँ। और इसके बाद वो बताती है कि आई एम ए नर्स, मैं एक नर्स हूँ। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर का हेल्पर होता है नर्स, नर्स जो होती है वो डॉक्टर का हेल्पर होती है, यानी कि डॉक्टर की सहायता करती है, मरीजों की देखभाल करती है, ठीक है ना। इसके बाद चलिए पेज को टर्न करते हैं, पेज नंबर 14। इसके पास पेज नंबर 14 में दिया हुआ है कि एक बच्चा है और एक थोड़ा सा एक आदमी है जो थोड़े से क्या कहते हैं, एज ज़्यादा है इनका। तो यहाँ लिखा हुआ है आई एम जफर, ठीक है ना। आई एम जफर, मैं जफर हूँ। और फिर जफर बोल रहा है कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। तो स्टूडेंट का मतलब होता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्टूडेंट कहलाते हैं। आप भी एक स्टूडेंट हो, ठीक है ना। तो आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। इसके बाद लिखा हुआ है आई एम मिस्टर सेन। अब ये बता रहे हैं, मिस्टर सेन अपने बारे में बता रहे हैं कि आई एम मिस्टर सेन, मैं मिस्टर सेन हूँ। और आई एम ए टीचर, और मैं क्या हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर अब ख़त्म हो गया, लेसन 6। बहुत ही छोटा चैप्टर था और बहुत ही प्यारा चैप्टर था। और इसके बाद इसमें एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और उस क्वेश्चन को आपको डील करना होगा। वैसे मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अनिल, ठीक है ना। व्हाट इज़ अनिल, तो अनिल क्या है, ठीक है ना। तो अनिल क्या है, आप सभी जानते हो कि अनिल अपने बारे में क्या बताया था, कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो कैसे कैसे लिखिएगा, अनिल इज़ ए गुड बॉय, ठीक है ना। व्हाट इज़ अनिल, तो अनिल इज़ ए गुड बॉय। और इसके बाद फिर लिखा हुआ है व्हाट इज़ गीता, गीता क्या है। तो गीता ने भी अपने बारे में बताया था कि मैं भी एक अच्छी लड़की हूँ, ठीक है ना। तो उसके बारे में, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ गीता, गीता क्या है। तो आप लिखिएगा कि गीता इज ए गुड गर्ल, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा क्या है। तो आप जानते हो कि मिस्टर सिन्हा ऐसे मेरी तरह ऐसे कान में लगाए थे, आला लगाए हुए थे, लेकिन मैं आला नहीं लगाया हूँ, मैं तो ईयरफोन लगाया हूँ। तो मिस्टर सिन्हा कौन थे, तो मिस कौन है, तो मिस्टर सिन्हा इज़ ए डॉक्टर,
ठीक है ना। मिस्टर सिन्हा एक कौन है, मिस्टर सिन्हा एक डॉक्टर हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मिस शीला, है ना, मिस शीला कौन है। तो मिस शीला के बारे में आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था, मिस शीला इज ए नर्स, ठीक है ना, मिस शीला इज ए नर्स। मिस शीला क्या है, एक नर्स हैं। इसके बाद फाइव नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मिस्टर सेन, ठीक है ना, व्हाट इज मिस्टर सेन, मिस्टर सेन कौन है, ठीक है ना, सॉरी मिस्टर सेन क्या है, व्हाट इज मिस्टर सेन। फाइव नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मिस्टर सेन, मिस्टर सेन क्या है। तो मिस्टर सेन क्या है, आपको याद होगा मिस्टर सेन एक टीचर हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा मिस्टर सेन इज ए टीचर, ठीक है ना, मिस्टर सेन इज ए टीचर। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जफर, तो जफर क्या है, तो जफर क्या था, जफर एक स्टूडेंट है, तो जफर इज ए स्टूडेंट, जफर एक छात्र है, ओके। अब इसके बाद बी नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बी नंबर क्वेश्चन में आपको करना क्या है, रीड से एंड लर्न द स्पेलिंग, इसको पढ़ना है, इसको कहना है और इसको सीखना है। तो बस एक बार बैठ जाइएगा कमरे में, और कमरे में बैठकर और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बोलते हुए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, अनिल, मिस शीला टीचर, गीता डॉक्टर, स्टूडेंट, मिस्टर सिन्हा नर्स, जफर, बस ऐसे ही पढ़ देना है, इट इज़ वेरी इजी। एंड इस प्रकार आपका ये चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है और उसको मैंने पढ़ा दिया है। और अगर आपको ये चैप्टर अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी बच्चे इसे देख सकें और उसे समझ सकें। तो आइए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।